अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे स्पोर्ट्स की। सबसे पहले, सभी लोग बहुत खुश हैं, हिंदुस्तान में भी लोग खुश हैं, पाकिस्तान में भी लोग खुश हैं, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। और उसका रीजन आप लोग सब जानते ही हैं कि जैसे कि आपको मालूम है कि ओलंपिक्स चल रहे हैं, और ओलंपिक्स में मैंस जेवलिन में जो है वो पाकिस्तान के अरशद नदीम साहब जो है उन्होंने, जी हाँ, गोल्ड मेडल लिया है। और उनके साथ साथ नीरज चोपड़ा, जिनका ताल्लुक भारत से है, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया है। दोनों को मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। दोनों ने एक दूसरे को अपना बहुत बेहतरीन दोस्त भी बताया है। दोनों की जो मदर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान से अरशद नदीम की मदर हो या फिर नीरज चोपड़ा की मदर हो भारत से, दोनों के इंटरव्यूज जो है वो धड़ाधड़ जो है वो हमारे टीवी चैनल भी दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें दोनों की मदर्स ने इन दोनों को, यानी कि अरशद नदीम की मदर ने नीरज चोपड़ा को और नीरज चोपड़ा की मदर ने नदीम को अपना बेटा बताया है। और उन्होंने ये कहा कि जी वो लोग बहुत खुश हैं कि इन दोनों ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल किया। साथ साथ अगर हम बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी ने भी इन दोनों की मदर जो है उनके बारे में बहुत अच्छे अल्फाज में, उन्होंने उनका भी कहा जा रहा है कि मोदी जी को भी ये चीज बहुत पसंद आई है। और उन्होंने नीरज चोपड़ा की मदर को कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया जो उन्होंने पाकिस्तान से जीतने वाले गोल्ड मेडल जीतने वाले जो अरशद नदीम है उनको बेटा कहा और उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। यकीनन ये कहीं ना कहीं ये बात से ये साबित तो होता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ अरसे बाद जो है पाकिस्तान और भारत में बीच में जो एक नाराजगी, एक टेंशन और ये सब कुछ है, अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो स्पोर्ट्स वाले ये चीज आगे बढ़ा सकते हैं। और स्पोर्ट्स की वजह से ही दोनों कंट्रीज की टेंशन जो है वो थोड़ी कम की जा सकती है। बहरहाल हम ये भी बताते चलें आपको, जो कि यकीनन आपको पता ही होगा कि अरशद नदीम साहब ने अपने बलबूते पे अपने, यानी खुद अपने आप को जो है फाइनेंस किया, अपने जो कुछ उन्होंने ट्रेनिंग की और सीखा उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जाहिर है अब गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिया है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है, पब्लिक तो खुश है ही, साथ साथ गवर्नमेंट भी तरह तरह की अनाउंसमेंट सब करना शुरू हो गई है। उनके लिए जो है कुछ ना कुछ प्राइजेस या इनाम जो है वो गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, सभी अनाउंस करते चले जा रहे हैं। और यकीनन वो हकदार इन सब चीजों के, लेकिन उनको ये सब चीजें उस वक्त भी मिलनी चाहिए थी जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, जब वो अपना खेल जो है उसको पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब भी यकीनन गवर्नमेंट को उनकी मदद करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी हैं और साथ साथ जाहिर है कि एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, क्रिकेट से इमरान खान का हमेशा से ताल्लुक रहा है, इमरान खान ने भी मुबारकबाद दी है अरशद नदीम साहब को। साथ साथ जी अरशद नदीम साहब के लिए हम ये भी बता देंगे, इमरान खान का कहना ये है कि नई जनरेशन के लिए वो एक मिसाल है और नई जनरेशन जो है उनसे बहुत कुछ सीख सकती है। खैर वो तो अभी खुद भी एक तरह से नई जनरेशन में ही है और यकीनन उनको देख के कई दूसरे लोगों को भी हौसला हुआ होगा कि वो भी जाकर खेल खेल सकते हैं। अरशद नजीम की तारीखी फतह, गुलकार यानी कि सिंगर अली जफर ने भी 10 लाख रुपए का ऐलान किया है, यानी उन्होंने भी अनाउंस किया है कि जी वो तकरीबन 10 लाख रुपए जो है वो अरशद नदीम को देंगे। अब देखते हैं कब देते हैं, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने भी जो है कहीं से, एक फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो तकरीबन 20 करोड़ इनाम का ऐलान किया है, पंजाब गवर्नमेंट 10 करोड़ कह रही है, और इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट और कई दूसरे लोग जो है जिनका ताल्लुक जो है कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट से जुड़ता है वो मुख्तलिफ इनामात का ऐलान कर रहे हैं। बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया, वालिदा खुशी से निहाल। जी हाँ, उनकी मदर जो है अरशद नदीम की बहुत खुश है और उनका यही कहना है कि बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया है और इससे वो बहुत खुश है। ठीक है, बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया, काश ये नाम हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे बाकी के इदारों के लोग भी रोशन कर पाते या आगे कर पाए, लेकिन बहरहाल एक अच्छी मिसाल कायम की गई है और उसके ऊपर यकीनन मजीद मेहनत होनी चाहिए और हमारे जो एथलीट्स हैं उनको भी, जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि क्रिकेट के अलावा भी दूसरे खेलों में जो खिलाड़ी हैं, जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट करें, उनकी मदद करें और उनके लिए सारी फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाए। आप बात करेंगे पीएम मोदी की और पीएम मोदी के साथ बात होगी राहुल गांधी जी की। जी हाँ, जो कि कांग्रेस लीडर हैं, आजकल पाकिस्तानी आम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि एक बात गलत की पाकिस्तान की एम्बेसी ने, और वो ये
कि जी सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए आम भेजिए या उनकी पार्टी के या दूसरे लोगों के लिए, 6-7 लोगों के लिए का उनको चाहिए था, यानी कि एम्बेसी को, पाकिस्तानी एम्बेसी को चाहिए था कि मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर और इस तरह के दूसरे जो लोग गवर्नमेंट में हैं उनके लिए भी जरूर भेजना चाहिए था, इसलिए कि बहरहाल तोहफे जो है वो एक्सचेंज करना अच्छा होता है। बात हम कर रहे थे जी राहुल गांधी और मोदी जी की। जी हाँ, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और मोदी जी की जो है अनऑफिशियल मीटिंग हुई है और उन्होंने यानी कि एक गैदरिंग सी थी और वो ये थी कि जी जो पार्लियामेंट पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है वहां पे, मेरे ख्याल है कि वहां जो पार्लियामेंट का इजलास हो रहा होगा उसके बाद कहीं पे बैठ के चाय कॉफी हो रही थी और वो पिक्चर भी मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही, वैसे है मेरे पास लेकिन पता नहीं अपलोड नहीं हुई अभी तक। तो वो जी वहां पर जो है बहुत अच्छी तरीके से बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे के साथ ग्रीटिंग्स की हैं और हेलो हाय नमस्कार और वालेकुम सलाम ऐसा कुछ हुआ जरूर होगा। तो यकीनन अच्छी बात है कि अगर अपोजिशन लीडर और गवर्नमेंट में मौजूद इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, पीएम मोदी जो है, उनसे राहुल गांधी जी की मीटिंग हुई है और बड़े अच्छे माहौल में हुई है और ये बात यकीनन पॉजिटिव है और पॉजिटिव साइन है। और इसी तरीके से मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी जो अपोजिशन लीडर्स होते हैं उनको और गवर्नमेंट को जो है वो आपस में मिलकर बातचीत करनी चाहिए और अच्छे माहौल से एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, तभी कुछ पाकिस्तान के लिए या हिंदुस्तानी लीडर हिंदुस्तान के लिए कर पाएंगे। सिर्फ लड़ते लड़ते तो जाहिर है कि कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ये एक अच्छी न्यूज के तौर पर इसको लिया जा रहा है कि दोनों लीडर्स जो हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं चाहे पीएम मोदी हैं, दोनों की मुलाकात हुई है और यकीनन दोनों ने बहुत खुशगवार माहौल में एक दूसरे के साथ बात की है। बात करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी है अफगानिस्तान के लिए। जी हाँ, पाकिस्तान का कहना यह है कि अफगान रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान में रह रहे हैं बहुत अरसे से, उनको वापस भेजने के लिए पाकिस्तान तैयार है और लेकिन उनको वापस भेजा कैसे जाएगा उसके लिए अमेरिका से मदद की जो है दुहाइयां लगाई हैं पाकिस्तान ने। जी हाँ, यानी कि जाहिर है कि पैसा मांगा होगा, कोई पैसा ऐसा देंगे तो फिर ये अफगान रेफ्यूजीज जो कि आप जानते हैं कि जो अफगान वॉर चल रही थी, अमेरिका जो जाकर हमारी ही जमीन से जाकर अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक्स चल रहे थे और उसके 20 साल के बाद जब हाथ में कुछ नहीं आया तो अमेरिका ने सोचा कि चलो मैं यहाँ से रवाना हो जाऊं। और उससे पहले जो है अफगान रेफ्यूजीज, जावलक के जमाने में ही बताया जाता है कि जी अफगान रेफ्यूजीज जो है वो पाकिस्तान में बुला लिए गए थे या भेज दिए गए थे और रख लिए गए थे, जो भी कहिए, और उसके बाद अब उनको वापस उनकी कंट्री अफगानिस्तान में भेजने की तैयारी की जा रही है। काफी लोग जाने को तैयार नहीं है लेकिन बहरहाल जाना तो पड़ेगा क्योंकि अब अगर ये डिसाइड कर लिया है कि जी इनको वापस भेजना है तो भेजना है, इसलिए कि ज़ाहिर पाकिस्तान जो है उसको अब वो खर्चा पानी शायद मिलना बंद हो गया जो पहले मिला करता था इन अफगान रेफ्यूजीज को रखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी या अपने हालात, इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी नहीं है कि वो इस तरह से किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों को एज अ रेफ्यूजी रख सके, उनको खिला पिला सके या उनको यहाँ रहने की जगह दे। बहरहाल अब डिसाइड ये किया गया और वैसे भी आपको पता है कि TTP के अटैक्स चल रहे हैं और अभी तक मुसलसल चल रहे हैं, तालिबान हो, तालिबान की गवर्नमेंट हो चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, दोनों के आपस में टर्म्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। इसी वजह से शायद पाकिस्तान ने फिर ये भी डिसाइड किया कि यहाँ पे जो टेररिज्म वगैरह के वाकयात हो रहे थे और एक के बाद एक एलिगेशन भी लग रही थी उसके लिए भी अफगान सिटीजन को जिम्मेदार ठहराया गया और अब कहा यह गया है कि अफगान सिटीजन अपनी कंट्री में वापस चले जाए, मगर चले जाए तो कैसे चले जाए, तो इसके लिए जी अमेरिका से मदद मांगी गई है। यकीनन फंड्स की बात की गई होगी और यही कहा गया होगा कि जी हमें कुछ फंड वंड दे दो ताकि हम इनको इनके घर भेज सकें। अब देखते हैं अमेरिका की तरफ से क्या जवाब मिलता है, क्या कहा जाता है, लेकिन बहरहाल उम्मीद यही है कि अमेरिका जो है वो कुछ ना कुछ फंड्स जो है वो पाकिस्तान को देगा ताकि पाकिस्तान इन अफगान रेफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान भेज सके। अब इसके ऊपर जैसे अपडेट आएगी हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। फिलहाल हम आपको एक नई अपडेट बताते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर, जी हाँ, इनको जो है UAE में अम्बेसडर लगा दिया गया है। मतलब ये कि कोई रिटायरमेंट के बाद घर चला जाए तौबा कीजिए, मतलब ये कि ये रिटायर तो हो गए हैं और अब इनको जी अम्बेसडर लगा दिया गया। ये तो खैर मैंने पहले भी एक शो किया था मेरे ख्याल 1.5 साल पहले और उसमें मैंने पूरी लिस्ट बताई थी कि जो रिटायर्ड फौजी हैं या रिटायर होके जो एजेंसी के लोग या आर्मी के लोग निकलते हैं उनको कौन कौन सी कंट्रीज में जो है वो हमने अम्बेसडर लगा दिया है। मतलब ये मेरे ख्याल से
सिविलियन जॉब है और यहाँ पे किसी सिविलियन को होना चाहिए, जो मैं हमेशा से एतराज करती हूँ। हमेशा मैंने ऑब्जेक्शन किया है कि जी सिविलियन जॉब्स के ऊपर आखिर फौजी क्यों लगते हैं रिटायरमेंट के बाद, ये घर क्यों नहीं चले जाते। और अभी भी वही हुआ है कि जी यूएई में, जो कि एक सिविलियन जॉब है और किसी सिविलियन को मिलना चाहिए, उसके बजाय रिटायर्ड फौजी साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर साहब जो हैं, इनको जी ये जॉब दे दी गई है। यानी कि अब ये यूएई में पाकिस्तान की एम्बेसी में एम्बेसडर बन के बैठेंगे। अब बात सारी ये है कि अगर बार बार हम जब बात करते हैं और हमारे पर कहा जाता है कि जी आप तो एतराज करते रहते हैं, तो आप लोग फिर ऐसी हरकतें मत कीजिए ना कि हम लोगों को इस तरह की बात करनी पड़े। फिर यकीनन आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप ये साबित कर सकें कि ऐसी बातें नहीं हो रही। यानी कि अगर यहाँ पे किसी सिविलियन को रखा जाता तो बेहतर होता, लेकिन बहरहाल क्या कहा जाए। जाहिर है मुल्क जो लोग चला रहे हैं उनके साथ क्या इंसान कह सकता है। जो कुछ हो रहा है वो लोगों के आगे है और इससे लोग ना तो कहीं बात को छुपा पा रहे हैं और ना ही मेरे ख्याल बात छुप पा रही है। लेकिन खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे आर्मी चीफ की। जी हाँ, मस्जिद नबवी के इमाम जो हैं, यानी कि सऊदी अरब में जो मस्जिद नबवी है उसके इमाम साहब जो हैं, वो पाकिस्तान विजिट के लिए आए हैं और इस बात को आर्मी चीफ ने बहुत ही उनकी तारीफ की कि जी ये बहुत बड़ी बात है कि ये इमाम साहब जो हैं ये पाकिस्तान के विजिट पर आए। साथ साथ उनका ये भी कहना था, जो उन्होंने अपना वहां पे जो उलमा के साथ बातचीत की और यानी जो रिलीजियस स्कॉलर्स या कह लीजिए सो कॉल्ड स्कॉलर्स या जो जो लोग थे उनके साथ जब बात की गई एक दो दिन पहले, तो आर्मी चीफ का कहना ये था कि जो लोग पाकिस्तान के आईन को या पाकिस्तान में जो के शरिया है उसको नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। तो खैर, कॉन्स्टिट्यूशन को जो नहीं मानते उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा, लेकिन हाँ शरिया को जो है वो सर बहुत से लोग नहीं मानते और उसका रीजन ये कि हर कोई यहाँ पे मुसलमान नहीं है। अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही पाकिस्तान में रह सकते हैं और सिर्फ मुस्लिम्स को ही आप पाकिस्तानी मानेंगे, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान में हर मजहब के लोग रहते हैं, चाहे थोड़े से ही सही, लेकिन क्योंकि ज्यादातर को तो खैर हमने वैसे ही कलमा शलमा पढ़ा दिया है और उसके बाद हम उनको उनकी मर्जी से उनकी इबादत गाहों में जाने भी नहीं देते। हम उनके चर्चेस भी जला देते हैं, हम उनके मंदिर भी तोड़ देते हैं, हम उनके घर में घुस के भी मारते हैं। मैं अहमदियाज की बात कर रही हूँ। और उसके बाद हम उनको तरह तरह से टॉर्चर भी करते हैं। यहाँ तक तो सही है, वो बेचारे किस कहीं और जाने जोगे हैं नहीं या कहीं और जाने जैसा उनका उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होगी तभी वो यहाँ पर ये सब कुछ सह रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब आपका जो ये स्टेटमेंट आया है कि जो लोग शरिया को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते, ये कहकर आपने जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में रहती है आपने उन सबको जो है वो ये कह दिया कि वो पाकिस्तानी नहीं है। वैसे तो खैर वो यहाँ पे पाकिस्तानी बनना वो चाह भी नहीं रहे होंगे, वो यही चाह रहे होंगे कि कहीं यूरोप वगैरह में निकल जाए। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये जो एक स्टेटमेंट आया है आर्मी चीफ की तरफ से, उसके ऊपर लोग काफी एतराज कर रहे हैं और मेरा ख्याल है एतराज बनता भी है, क्योंकि आपने बहुत से ऐसे लोग जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, उनके साथ आपने ये कहकर उनका दिल दुखाया है और मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल जो इमाम साहब है, यानी कि जो मस्जिद नबवी के इमाम साहब है, उन्होंने आज फ्राइडे था तो फ्राइडे को उन्होंने जो है वो फैसल मस्जिद में नमाज भी पढ़वाई उन्होंने, यानी वो जो कहते हैं ना कि खुतबा दिया उन्होंने। जी हाँ, खुतबा दिया। और जो शाह फैसल मॉस्क यहाँ पर है इस्लामाबाद में, वहां पर उन्होंने नमाज भी पढ़ाई। तो ये तो खैर ये होता रहा, लेकिन साथ साथ अभी सऊदी अरब ने ये भी कहा है कि जी जरा ये जो भिखारी आपके यहाँ से आ रहे हैं और बार बार सऊदी अरब और यूएई वाले तंग हैं, उन्होंने कहा जी इनके ऊपर कुछ किया जाए। तो अब जी भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने पर कार्रवाई का हुक्म, जी हाँ कहा ये गया है कि अगर अब कोई भिखारी सऊदी अरब पहुंचा और यहाँ से जो एक तरह के एजेंट्स या ये कह लीजिए कि यही बिजनेस बना लिया कुछ लोगों ने, वो अगर पकड़े गए, तो अगर सऊदी अरब जाते हुए किसी को पता लगा कि ये भिखारी हैं और इनको किसी ग्रुप के लोगों ने जो है वो भेजा है या कोई बिजनेस चला रहा है इस तरह से, तो उनके ऊपर एक्शन होगा, उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, उनको सजाएं दी जाएंगी। और ये चीज जी बहुत देर के बाद जो है हम लोगों को समझ में आई है, वरना तो ये चीज चलती चली जा रही थी। और यूएई वाले हों चाहे दूसरी गल्फ कंट्रीज हों, बहुत ज्यादा वो लोग परेशान थे। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि जी ये भिखारी जो है ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं।
और खास तौर पे सऊदी अरब में अगर कोई हज उमरे के लिए जाते हैं तो उन लोगों को ये लोग मिल जाते हैं और उसके बाद कहते ही हैं कि जी हम यहाँ आ गए थे, अब हमारे पास वापसी का किराया नहीं है, तो आप हमें प्लीज पाकिस्तान का टिकट ले दीजिए या फिर हमें पैसे दे दीजिए, और इसी किस्म की चीजें जो है वो बढ़ती गई। और जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया तो पता ये लगा कि इनमें से 90%, जी हाँ 90% जो भिखारी निकले वो पाकिस्तान के निकले, और पता ये लगा कि वो पाकिस्तानी है। इसी तरीके से यूएई में जो क्राइम रेट बढ़े हैं उसमें 50% पाकिस्तानी है, लेकिन बहरहाल भीख मांगने में 90% लोग जो हैं वो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तानी नेशनल्स निकले हैं। और इस वजह से सऊदी अरब ने बहुत सख्ती के साथ पाकिस्तान से बात की और कहा है कि इन सब चीजों को आपको रोकना होगा, अगर आप नहीं रोकेंगे तो हम आप लोगों के साथ कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि जाहिर है कि वीजा जो है वो नहीं मिलेगा, आने नहीं देंगे, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लग सकती है पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तानी सिटीजन के ऊपर। मगर बात सारी ये है कि ये चीज इतनी बढ़ कैसे गई, गवर्नमेंट ने पहले क्यों नहीं देखा, नोटिस क्यों नहीं लिया गया इन सब चीजों का कि किस तरह के लोग जा रहे हैं और वहां पर क्या कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये जिन लोगों ने अरेंज किया होगा, यानी जो लोग ये भिखारियों को भिजवाते हैं, ये एक बिजनेस के तौर पे ना सिर्फ ये कि दुबई या सऊदी अरब में चलते हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो हर सिटी में जितनी तादाद भिखारियों की हो गई है तो उससे पता तो यही लगता है कि ये एक बहुत मजबूत किस्म का कोई ग्रुप है या कोई ऐसा बिजनेस ये लोग शुरू कर चुके हैं जिसमें ये भिखारी बनाते हैं। और ये चीज हमने कई बार जो है वो नोटिस की है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मैंने कई बार तो इंडियन टीवी प्लेस वगैरह में देखा कि वहां पर भी ये रिवाज है, या इस तरह का वहां पर भी केसेस होते हैं कि लोगों को भिखारी बनाया गया और उसके बाद जो है, खैर उन्होंने किसी दूसरी कंट्री में जाते हुए तो नहीं दिखाया जैसे हमारे यहाँ हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये भीख मांगना भी एक तरह का एक बिजनेस सा बन चुका है, और लोग जो हैं वो कामकाज करने के बजाय लोगों से पैसा मांगने में या अपनी कहानियां सुनाकर पैसा ठगने में जो है वो तेज होते चले जा रहे हैं, और वही कोशिश करते चले जा रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों से पैसा ठगा जाए, क्या करें कि लोगों से पैसा निकलवा लिया जाए और काम ना करना पड़े। बहुत से लोग इस वजह से भी ये चीज है कि उनके अंदर काम करने का एक तो उनका मूड ही नहीं होता कि काम करने, वो बैठे बैठे खाने में जो है पैसा उनको ज्यादा मजा आता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट्स जो गई हैं पिछले कई सालों में, आप समझ लीजिए 30-40 साल से जो गवर्नमेंट्स, या उससे भी पहले जब से ये अफगान वॉर शुरू हुई थी उसके बाद से जो पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से फंड्स मिलने शुरू हो गए, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई है जी वो फंड्स के ऊपर ही रही और बैठ बैठ के खाने की आदत जो है वो गवर्नमेंट ने ही डाली। कभी कह रहे हैं IMF जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं, कभी सऊदीया जा रहे हैं, कभी UAE जा रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, और इसी तरीके से डोनेशंस के ऊपर और फंड्स के ऊपर और लोन्स के ऊपर पाकिस्तान को चलाया गया। और जाहिर है कि ये सारी चीजें देखते देखते जो आम पब्लिक है अब उसका भी वही हाल हो गया है। कहा यह जा रहा है कि जी जमात इस्लामी ने अपना जो प्रोटेस्ट था जो बिजली के बिलों के लिए वो कर रहे थे, जी इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो कम किए जाएं, और इलेक्ट्रिसिटी के बिल कम ना हुए तो वो नहीं उठेंगे, उनके और गवर्नमेंट के बीच में जो डायलॉग चल रहा था वो कामयाब हो गया है, और अब जो है दोनों यानी पार्टीज जो है गवर्नमेंट भी और जमात इस्लामी के लोग जो है वो मान गए हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। लेकिन ये प्रोटेस्ट खत्म होते के साथ ही जो पहली खबर आई वो ये कि 3 रुपए पर यूनिट जो है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब इसके बाद जमात इस्लामी क्या करने वाली है, या कोई भी दूसरी पार्टी, चाहे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो या कोई दूसरी पार्टी हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे या प्रोटेस्ट करने का कह रहे थे, वो अब आगे क्या करेंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हमें यही पता लगा है जो आज कि जमात इस्लामी जो है जी हाँ वो हट गए हैं अपने प्रोटेस्ट से, और उसके साथ ही गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया वो ये कि 3 रुपए पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो बढ़ा दिया गया। अब इसके ऊपर मुबारकबाद किसको देनी है पता नहीं, फिलहाल तो लोग जो है चाहे वो गवर्नमेंट के हों या गवर्नमेंट के बाहर के हों, वो अरशद नदीम साहब की जो अचीवमेंट है, जो उनकी अपनी अचीवमेंट है, उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, उसमें लगे हैं, उसी खुशी में लगे हैं। लेकिन 2 दिन के बाद यकीनन लोगों की आंखें खुलेंगी और उनको पता चलेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो फिर बढ़ने वाला है, या उसके यूनिट जो है पर यूनिट पैसे फिर बढ़ा दिए गए। उसके बाद लोग क्या करेंगे हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।